थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को विदाउट टिकट ट्रैवल करते हुए। नहीं, मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद ये था कि मुझे वापस आना है क्योंकि मुझे सर्बिया में सेटल होना है। यहाँ पर सिर्फ गारमेंट्स ही नहीं है, अगर यहाँ के मार्केट को आप देखोगे तो सिरेमिक्स में भी बहुत स्कोप है, क्रॉकरीज में भी बहुत स्कोप है। एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस टिकट लेने का आसान है या मुश्किल है। तो 8:20 की बस है, सबसे पहले जाके अंदर चढ़ जाऊँगा। Thank you, Paula. Thank you. Can I sit here? Thanks. Thank you very much. मैं बस से उतर गया हूँ, पहुँच गया हूँ बेलग्रेड। सुबह के 9:45 बज रहे हैं, बस ने बिल्कुल सही टाइम पे उतार दिया था। आज सफ़र का पता नहीं चला, इत्तेफाक ये था कि जिनसे मैंने पोजारोवत्स में मैंने जिनसे हेल्प ली थी कि बस में मुझे चढ़ना है, सबसे पहली सीट दिला देना, तो ड्राइवर को इन्होंने ही समझाया था। मेरे साथ में है सोनिया। हाय। एंड आई रियली वॉन्ट टू से यू थैंक्स, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट द फर्स्ट सीट, और उसके बाद सफ़र का पता नहीं चला क्योंकि इन्होंने इतनी सारी जानकारी दी। और सबसे ज़्यादा जानकारी, शी इज़ एन इमिग्रेशन ऑफिसर, लाइक शी इज़ एन ऑफिशियल हु इज़ इनटू इमिग्रेशन, एक एजेंसी में ये काम करते हैं बेसिकली। और इन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे आप यहाँ पर अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अभी इनको ऑफिस के लिए लेट हो रही हैं तो अभी मैं जाने देता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स लॉट फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव। पीपल आर सो नाइस, सो वॉर्म। Thank you so much. Thanks a lot. It was a pleasure meeting you. Whatever you need, we are here. Voila. Have a good time in Belgrade. एक नए शहर में खुद से बस की टिकट लेना कोई आसान काम नहीं है। मैंने टिकट ली है 150 दिनार की रैम में। इस छोटे से काम में जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है ना, वो बड़ी मज़ेदार है। अब इस शहर को लगता है मैं धीरे धीरे समझने लगा हूँ, अब मैं यहाँ आना जाना कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ। गुड। ये सारा का सारा मेरा सामान यहाँ फैला हुआ पड़ा है। मैं पहुँच गया था एलेक्स के घर कुछ देर पहले। एलेक्स भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू एलेक्स फॉर होस्टिंग मी एट योर प्लेस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव योर प्लेस। या एक्चुअली एलेक्स की मदर कल आने वाली हैं यहाँ पर, तो वो मेरे लिए होस्ट ढूंढ रहे हैं, वो मेरे लिए हॉस्टल्स अरेंज कर रहे हैं। हॉस्टल्स भी मतलब मेरे बजट में के हिसाब से वो ढूंढ रहे हैं, तो एक मतलब काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बस यही सारी कहानी थी। और आज हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देखे इन्होंने, मेरे को मतलब इतना पॉजिटिव सा सब हो गया था। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, राइट? अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स इन्होंने दिखाए, बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स थे, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। ये सारा मेरा हिसाब किताब फैला पड़ा है। एनी स्पेशल रिएक्शन? बाय। Ciao man. Ciao. Ciao ciao. मूवी एप्लीकेशन से पता चला कि एलेक्स के घर से करीब 5 के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद में एक बस स्टॉप से 27 बस नंबर मिलेगी, तो मेरे हॉस्टल के आसपास ले जाएगी, और फिर वहाँ से करीब 5 और वॉकिंग डिस्टेंस है और मैं पहुँच जाऊँगा अपने हॉस्टल।
मुझे पकड़नी है 27। बट क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं गलत जगह खड़ा हूँ? अभी 5 मिनट के बाद आएगी 27। सामान ज़्यादा है ना, थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, अदरवाइज़ वॉक कर लेता। 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा भारी सामान के साथ, यहाँ तक नहीं जनाब चलने की। ये है ट्राम, 27 नहीं है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं गलत जगह खड़ा हूँ, 27 तो आ ही नहीं रही है। अच्छा सॉरी, ये ट्राम नहीं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। ये इलेक्ट्रिक बसेस पहिए होते हैं रबर के, ट्राम्स चलती हैं पटरी के ऊपर। पता है मैंने अभी बहुत बड़ी गलती करी है, मैं 28 बस नंबर ढूंढ रहा था, 27 बस नंबर ढूंढ रहा था। बस नंबर एक्चुअली 28 और 40 है, इन दोनों में से कोई एक बस जाती है, और जो अभी निकली भी थी 27 मुझे जो लगा था, और 27 मुझे लगा बस नंबर है, 27 एक्चुअली बस स्टॉप नंबर है, वो यहाँ लिखा हुआ है। खैर अभी भी 28 और 40 में से जो भी अब आएगी उसको पकड़ लूँगा। अभी 40 नंबर ये पकड़नी थी मुझे। पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मैंने पैसे दिए उन्होंने मना कर दिया। अब कहीं चालान ना कट जाए मेरा, जाते हैं बिना उसके ही देखते हैं। मैं सच बताऊं मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को विदाउट टिकट ट्रैवल करते हुए, बट मैं करूं क्या, मैंने तो पैसे उनको देने चाहे थे, उन्होंने टिकट नहीं दी। और जब मैंने पीछे एक लेडी बैठी हुई थी उनसे मैंने पूछा कि टिकट तो मेरी नहीं है, उन्होंने हंसते हुए कहा कि डोंट वरी, देखा जाएगा जो होगा। बिना टिकट की यात्रा कर रहा हूँ बेलग्रेड में, लेट्स सी। हे भगवान, डर लग रहा है, कोई चढ़ ना जाए बस में। ये फायर ट्रक था क्या, ये बस उसके लिए रुकी है? ये बड़ा सरप्राइजिंग था अभी उस फायर ट्रक के लिए, मतलब जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उसके लिए बस रुक गई थी। ब्रेक पहुँच गया जहाँ मुझे पहुँचना था, मेरा मास्क और मेरा बैग। To je ona, pa da, tamo gdje kopaju, tu i ove strute. Malo gore, jo. Bohat je ajeeb lag raha tha sach mein bus mein, bina ticket ke. Aaj pehli baar bina ticket ke safar kiya Serbia, Belgrade mein. Achha laga. पसीने में लथपथ हूँ, गलत जगह चला गया था, गलत गली में, लेकिन फाइनली पहुँच गया। वो हॉस्टल है जहाँ पर मुझे आज हाय राम रुकना है। ओह सॉरी, ओके हाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा के उसके बाद बात करूँगा, बहुत थक गया हूँ बुरी तरीके से, बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इस वक्त, और मेरे को अक्सर जब इतनी ज़्यादा एग्जर्शन होती है तो बुखार आ जाता है।
उम्मीद है नहीं आना चाहिए। That's how it looks in the end. Looks amazing. Yeah, and with the sauce in the end. Okay. Spicy. Spicy one? Okay, you have it. I'm not going to take it more. Huh? And then we have to mix it together. What? Pork and beef and all that. एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हॉस्टल का, अच्छा लगा। थैंक्स टू अहमद। दिस वॉज कोशारी। कोशारी वेजिटेरियन। अगर आप इजिप्ट जा रहे हैं, वीगन, इनफैक्ट वीगन, तो अगर आप इजिप्ट जा रहे हैं या इजिप्ट के आस पास हैं या अरब कंट्रीज, वी हैव सम फूड इन कॉमन लाइक शवरमा, हम्मस, दिस स्टफ, लाइक इट्स इन कॉमन एवरीवेयर, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर, बट कोशरी इन सम अरब कंट्रीज यू कैन फाइंड इट लाइक इन लाइक फैंसी रेस्टोरेंट्स लाइक इट्स इजिप्शियन, बट दिस इज टिपिकल इजिप्शियन। यस, टिपिकल इजिप्शियन, टिपिकल इजिप्शियन चीज है ये। तो अगर आप इजिप्ट जा रहे हैं तो कोशारी जरूर ट्राई करना। इसमें सिर्फ चावल थे, शायद मसूर की दाल थी, बहुत बड़ी बड़ी थी वो, या कुछ और दाल रही होगी और कुछ और चीज़ें थी। जो भी था अच्छा था। सबसे अच्छी बात ये थी कि हम सब लोगों ने साथ में मिलकर बैठ के खाया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो जो साथ में। शाम के 5:30 बज रहे हैं। एक आम दिन है सर्बिया में, लेकिन आम दिन होते हुए भी कुछ खास इस वक्त हो रहा है वहाँ पर। वहाँ हो रहा है कपुएरा। कपुएरा एक आर्ट है, एक मार्शल आर्ट है। लेकिन कपुएरा के बारे में आज आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे जोड़ा मुझको मेरे हॉस्टल में रहने वाले एक भाई साहब ने। हैं बहरीन के, हॉस्टल में हम लोग दोस्त बन ही जाते हैं एक दूसरे की बातचीत करते करते। दोपहर को उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ खास नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ, मैं कपोरा करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चल सकते हैं। मैंने कहा ये है क्या, तो उन्होंने कहा एक मार्शल आर्ट है, तो वो मैं सीख रहा हूँ। तो आया यहाँ पर और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है।
मतलब मुझे लगा था कुछ मार्शल आर्ट्स मतलब कुछ होता होगा किसी बंद कमरे में या कुछ बंद स्टेडियम में, लेकिन ये हो रहा है पूरा खुले में, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं इस खुली सी जगह में है, इस खुला सा पार्क है, ये है न्यू बेलग्रेड और कुछ नया देखने को मिला। अच्छा लग रहा, बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े हैं, लड़कियाँ हैं, हर तरह के लोग हैं कपोएरा सीख रहे हैं। एक भाई साहब मुझे मिले स्वीडन के और उन्होंने ये कहा कि कपोएरा से मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था गुड़गांव दिल्ली से, एक साल पहले जब मैं आया था वहाँ पर। तो दिल्ली में भी और गुड़गांव में भी क्लब्स हैं कपोएरा के, तो बेसिकली कपोएरा जो आर्ट है उसने जोड़ा इन लोगों को। जहाँ जहाँ जाते हैं कहते हैं मैं अपनी कम्युनिटी से मिल लेता हूँ, जहाँ जहाँ क्लब्स होते हैं, और हम बस कपोएरा की वजह से, इस आर्ट की वजह से हम लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो स्वीडन के भाई साहब दिल्ली गए थे, स्वीडन के भाई साहब यहाँ आ गए सर्बिया में, है ब्राज़ीलियन आर्ट शुरुआत की थी इसकी, अफ्रीकन जो स्लेव्स थे, जो अफ्रीकी ग़ुलाम थे, हुआ था करीब 16th सेंचुरी के बिगिनिंग में, यानी 1500 समथिंग वो रहा होगा। जो भी है, हिस्टोरिकल तो खैर है ही, लेकिन अच्छा ये देखकर लग रहा है कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर और आर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली म्यूज़िक, एक्रोबैट्स और हाथों और पैरों की बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, मार्शल आर्ट्स जैसा है ये। जो भी है, खास सारे म्यूज़िक के साथ में ये और भी अच्छा लग रहा है, फोक म्यूज़िक है। सीरियसली घूमने का ये जो अंदाज़ है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतना खुलापन, इतना सब कुछ। आप अगर फ्री हैं, थोड़ा सा हॉस्टल्स में हैं, तो कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। आज मुझे मिला देखने को कपोएरा।